दोस्तों मीजू ने मेटल यूनिबॉडी के साथ मीजू M3E लॉन्च कर दिया है। ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको मीजू के लेटेस्ट फोन M3E के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें क्या नया है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और कुछ अपने ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मीजू कंपनी ने M3E अनाउंस किया अगस्त 2016 में और यही खबरें गर्दिश में हैं कि अगस्त 2016 में ही ये फोन लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर हम M3E की बॉडी की बात करें तो मीजू का ये फोन M3 नोट से काफी मिलता जुलता है और M3E की बॉडी डायमेंशन 7.9 mm और वजन 172 ग्राम है। इस फोन में आपको डबल सिम की ऑप्शन मिलती है और स्क्रीन साइज 5.5 इंच IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ 403 PPI और स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x1920 मिलती है। बात करें अगर M3E के कैमरे की तो इस फोन के बैक पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, तमाम लेटेस्ट फंक्शंस और फीचर के साथ, मसलन फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, ड्यूल LED, टच फोकस, जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन वगैरह वगैरह। मीजू के M3E में हार्डवेयर में आपको मिलता है MediaTek Helio P10 MT6755 चिपसेट और ऑक्टा कोर 1.8 GHz Cortex A53 और ऑक्टा कोर 1.0 GHz Cortex A53 प्रोसेसर के साथ मैली T860 MP2 GPU मिलता है। बात करें OS की तो इस लेटेस्ट वर्जन में मार्शमेलो की बजाय लॉलीपॉप 5.1 मिलता है। इसके अलावा इस फोन में आपको इंटरनल स्टोरेज 32 GB के साथ साथ स्टोरेज को 256 GB तक बढ़ाने के लिए माइक्रो SD स्लॉट भी मिलती है। रैम और बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 3 GB रैम के साथ 3100 mAh की बैटरी मिलती है जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इस फोन में मीजू का एम टच होम बटन और फिंगरप्रिंट रीडर भी शामिल किया गया है। इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग की भी सहूलत मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। आप इस फोन की बैटरी को एम चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हैं और यही इस फोन का कम कीमत में अच्छा फीचर है। इसके अलावा दोस्तों M3E में आपको अलर्ट टाइप की तमाम ऑप्शन, लाउड स्पीकर, 3.5 mm जैक की ऑप्शन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.1, GPS, USB 2.0, फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फोटो एंड वीडियो एडिटर वगैरह वगैरह, मतलब तमाम फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। फाइनली अगर कीमत की बात करें तो इस फोन की कीमत है $195, मतलब कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 13,026 रुपए और अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो 20,411 रुपए बनते हैं। दोस्तों मीजू कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल सैमसंग और सोनी के जो है मोबाइल फोन्स जैसा उनमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मीजू कंपनी के फोन्स में भी आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। इस फोन की स्पेसिफिकेशन बस एवरेज ही है लेकिन मीजू ने इस फोन की कीमत बहुत ज्यादा रखी है। हालांकि इस फोन का OS भी मार्शमेलो नहीं है, लॉलीपॉप है। तो दोस्तों इतनी प्राइस रेंज अगर आपकी है तो आप कोई और फोन भी चूज कर सकती हैं, लेकिन आपको अगर मीजू का एक्सपीरियंस है तो मेटल बॉडी के साथ आप M3E को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मीजू के लेटेस्ट फोन M3E की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।